So class 11th, good morning to all of you. So today I will discuss question number 22. ठीक है? So question number 22 is generalize the following transactions in the books of Naveen Gupta and Sons. तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा general entries in the books of Naveen Gupta and Sons. ठीक है? और अपने आप को आप नवीन गुप्ता मान लीजिएगा. ठीक है? Because अगर जो भी questions आप लगा रहे हो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहली चीज अपने आप को ही बिजनेसमैन मान लो और ये मान लो ये हमारी ही बुक्स है, हम अपनी ही बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. ठीक है? और क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन को स्टूडेंट मान करके एंट्री मत करना, हमेशा बिजनेसमैन मान के एंट्री करना और क्वेश्चन अपने आप लगता जाएगा. ठीक है? अपने आप को ओनर मान लेना और अगले को वो पार्टी मान लेना. ठीक है? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. कल भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम की चर्चा की थी और शायद हमने प्रीपेड वर्ड की चर्चा की. ठीक है? सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड. सो व्हाट इज प्रीपेड? प्रीपेड मींस एडवांस, यानी अगले साल का होता है जो कि हम एंट्री करेंगे उसकी. क्या पहली जो एंट्री बनेगी, आप लोग फॉर्मेट क्रिएट कर लीजिएगा, ऊपर लिखिएगा जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन गुप्ता एंड कंपनी. तो सबसे पहली चीज एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट इंश्योरेंस अकाउंट. ठीक है? बीइंग इंश्योरेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर. अगले साल का इंश्योरेंस इस साल को दे दिया गया है क्योंकि इंश्योरेंस डेबिट होता है. ठीक है? तो चूंकि अगले साल का हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ही डाटा चाहिए. और सपोज करिए 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया था और ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 में. जिस साल हम काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर है और अगला साल जो होगा, अगला साल कब स्टार्ट होगा? 2022. खत्म कब होगा? 2021. ठीक है? सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वर्ड हमारी एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट होता है. अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते तो एंट्री बनाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो इस साल का नहीं है, इसीलिए हम उसको डेबिट से क्रेडिट कर. अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए होंगे तो एंट्री बनाए होंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है? ठीक है? सपोज करो ये एंट्री बनती पेड के टाइम, जब एडवांस है क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है. ठीक है? जो उस साल का था, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का था. लेकिन अगर सपोज करो हमने इंश्योरेंस कराया था, सपोज करो 20,000 का. ठीक है? और इसमें अगले साल का भी इंश्योरेंस इंक्लूड हो तो हम क्या करेंगे, हमें उतनी ही फिगर चाहिए जो जिस साल हम 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 तक की फिगर से, 20 के बाद की फिगर क्या होगी, प्रीपेड होगी. हम उतने का जो क्या नाम है, सपोज करो इसमें 20,000 था, इस साल का 10,000 इंश्योरेंस था और अगले साल का 10,000. ठीक है? तो अगले साल से मतलब नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट बनाते समय, हमें चाहिए क्या कि इस साल कितना एक्सपेंस हुआ. अगले साल का एक्सपेंस हम नहीं लेंगे, इस साल अगले साल के बैलेंस को हम खत्म करेंगे. तो इंश्योरेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. ठीक है? और इसकी जगह एक एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट. कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहे हैं, कभी भी अगर एडवांस वर्ड हो, प्रीपेड वर्ड हो और इंश्योरेंस को एडवांस में पेड कर रहा हो तो इसका मतलब है एक एंट्री बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस. और एक चीज और, अगर रेंट अगर पेड कर रहा है एडवांस में तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हो जाएगा. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज credit purchase from Raman company for 50,000 cash discount will be receive 5% on payment of bill within 10 days. अब आ जाओ, कह रहा है next entry में भी, यानी entry number second और third same है. आप check करिए cash paid to Raman company and discount availed of. सबसे पहली चीज इस question में हम credit purchase की entry pass कर लें. ठीक है? So entry बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी. ठीक है? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है? कितना गुड्स हमने परचेज किया था,
आई थिंक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50,000। ठीक है, अब कह रहा है अगर राम 10 डेज में पेमेंट कर देगा तो हम उसको, अगर हम राम को 10 डेज में पेमेंट करें, क्योंकि परचेस किए है ना, हम परचेस कर रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे। राम कह रहा है कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दीजिए तो हम आपको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। ठीक, अगली एंट्री वही, कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। ठीक है, यानी 5% का वही डिस्काउंट होगा जो सेकेंड एंट्री में दिया है। ठीक है, हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। ठीक, तो एंट्री बनाइएगा राम एंड कंपनी डेबिट, चूंकि डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है एट द टाइम ऑफ परचेज, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, और सेल के समय हमारे लिए डिस्काउंट क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे क्या करोगे, कैश पेड कर रहे हो टू कैश अकाउंट और आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। सो टू डिस्काउंट अकाउंट, सो यहाँ पे आप बनाइएगा बीइंग कैश पेड टू मिस्टर राम एंड 5% डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। ठीक है, अब अमाउंट भरने का क्या तरीका, 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, आधा कर दीजिए 2,500, 5% है, कभी भी 5% अगर निकालना हो विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, सो 10% आप टोटल निकालिएगा, सबका 10%। ठीक, तो आपके पास, हमारे पास 50,000 था, तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, 10% 5,000 है, लेकिन 5% कितना होगा 2,500। तो ठीक है, 5,000 का आधा कर दीजिएगा 5% हो जाएगा, तो जब इसका मतलब है कि हमने कैश पेड किया होगा 47,500 जिसमें से डिस्काउंट मिला 2,500, तो टोटल कितना होगा, जितना कैश पेड के सामने जितना डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट के सामने टोटल मिला के 50,000। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, पेड इनकम टैक्स चेक, पेड बाय चेक। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है, सेल्फ का खर्चा, यानी सेल्फ का टैक्स, हम क्या बताए थे कि ड्रॉइंग्स होता है, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और इनकम टैक्स पेड कर रहा है चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे एंट्री पास करिएगा बीइंग आईटी पेड, शॉर्ट फॉर्म है इनकम टैक्स का आईटी। ठीक है, सो कितना आईटी पेड कर रहा है वो आप चेक कर लीजिएगा, 20,000 रुपीज पेड कर रहा है। ठीक, फाइव नंबर एंट्री आई, नेक्स्ट एंट्री है फाइव नंबर एंट्री, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 2 लाख का गुड्स, 2 लाख का 10% कितना होगा, 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है, सो 2 लाख का गुड्स हमेशा हम बड़े हुए दाम पे हम सोल्ड करते हैं, सो 2 लाख का गुड्स कितने में सोल्ड कर रहा हो, यानी किसको सोल्ड कर रहा है, क्या वो कैश सोल्ड है कि क्रेडिट सोल्ड है, ये देखना है। तो इस क्वेश्चन में दे रहा है कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक, सो कैश अकाउंट डेबिट एंट्री नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सो 2,20,000 रुपीज कैसे आएगा, 2,20,000, 2 लाख का 10% निकालिएगा 20,000, 2 लाख, यानी दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2,20,000। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6, कह रहा है परचेज आयरन से 2 लाख, फाइलिंग कैबिनेट 50,000, कंप्यूटर 1 लाख रुपीज। ठीक है, अगर हम बिजनेस के लिए, ऑफिस वर्क के लिए कोई चीज अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क में क्या आता है, जैसे हमने ड्रॉअर परचेज किया, हमने ऑफिस वर्क के लिए हमने क्या क्या परचेज किया, आयरन सेफ परचेज किया, फाइलिंग कैबिनेट, फाइल रखने के लिए कैबिनेट परचेज किया, आयरन सेफ का मतलब अलमीरा परचेज किया, आयरन सेफ, और चूंकि सारी फाइल्स जो है अलमीरा में रखते हैं, और कंप्यूटर परचेज किया, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे, ऑफिस इक्विपमेंट होंगे। ठीक है, सो अब लास्ट जो एंट्री है आपकी, एंट्री नंबर 6, एक नई एंट्री है, जितने भी एक्सपेंस होंगे ऑफिस से रिलेटेड वो ऑफिस एक्सपेंस होंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या क्या परचेज किया है, आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, ये तीनों हम इस पर ऑफिस के लिए काम करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, टोटल कर लीजिएगा, तीनों को मिला लीजिएगा,
टोटल आ जाएगा 2,50,000 प्लस 3,50,000 रुपीज। सो 3,50,000। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 22। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टैक्ट विथ मी 7355297074। एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपका बेस क्लियर रहे। अगर बेस जीरो हो गया तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 22।